महिला कांग्रेस व युवक कांग्रेस दुर्ग द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा का आयोजन कर एकता एवं धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया गया। अवसर पर विधायक अरुण बोरा ने देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए कांग्रेस की एकमात्र विकल्प बताया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस दुर्ग द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर एकता एवं धार्मिक सद्भावना का संदेश दिया गया। इस मौके पर राजीव भवन दुर्ग में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण बोरा के नेतृत्व में सबसे पहले पंडित नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया, जिसके बाद कांग्रेस जनों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो सह यात्रा के दौरान बोरा ने कहा कि देश की एकता एवं भाईचारे के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा पर निकले हैं, जो महज यात्रा नहीं बल्कि देश की बिगड़ती स्थिति को संभालने एवं देशवासियों को एकजुट रखने का एक महत्वपूर्ण संदेश है। लाखों की भीड़ का समर्थन एवं सभी दलों के नेता इसमें शामिल भी हो रहे हैं। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली गई है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की धर्म आधारित राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए लोगों से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने की अपील की। इसी कड़ी में पहले चरण में निकली भारत जोड़ो सहयात्रा में वार्ड 14 से भारत माता चौक से निकलकर मुखर्जी नगर, प्रेम नगर इत्यादि 3 ब्लॉक की यात्रा तय की गई। इस दौरान अन्य पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, महापौर धीरज बाकलीवाल, युवा कांग्रेस महासचिव संदीप पुरा, महीप सिंह भुवाल, राजकुमार साहू, अध्यक्ष आयुष शर्मा, पाशी अली सहित समस्त कांग्रेस जन मौजूद रहे। ग्रेनेसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।